अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मोईद मलिक और आप देख रहे हैं UMT TV स्पेशल एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन के। डॉक्टर साहब जो हैं वो नॉमिनेट हुए हैं एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर के लिए। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स थे जिन्होंने आज इनको ये रुतबा दिलवाया है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग द एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर। सर सर, सबसे पहले तो सर आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि आपकी बैकग्राउंड क्या है और एजुकेशन हिस्ट्री आपकी क्या है। बहुत शुक्रिया उम्मीद। ये सफ़र एक तवील तरीन सफ़र है। मेरा अगर मैं इब्तिदा करूं अपनी मैट्रिक से तो गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल से मेरा मैट्रिक है। आई बिलोंग टू साहिवाल, साहिवाल इज़ माई बर्थ प्लेस। तो उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से है। मेरा मास्टर्स बाउदी जिक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान से है। और मास्टर्स करने के बाद आई वाज अपॉइंटेड एज लेक्चरर इन फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज इन इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया साहिवाल से। देन आई स्पेंड देयर इन इस्लामाबाद 23 ईयर्स। उन 23 ईयर्स में मैंने लेक्चरर बनना गो मेरा एक ड्रीम था, एक ख्वाब था जो पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने आप को स्टक नहीं किया। मैंने अपने आप को मूवमेंट में रखा है। और इंसान की कामयाबी की यही एक की होती है कि वो अपने आप को मूवमेंट में जस्तजू में रखे और आगे खूब से खूब तरक्की तलाश में रखे। ठीक है। जो इंसान अपनी लाइफ में अपने आप को किसी भी मुकाम पे स्टिल कर लेता है वो उसके जवाल का पहला कदम होता है। तो मैंने स्टिल नहीं किया अपने आप को। मैंने लेक्चरर बनने के बाद इस्लामाबाद में रहते हुए फिर मैंने पीएचडी की कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा। ड्यूरिंग द स्टे इन इस्लामाबाद आई यूज्ड टू गो कराची आफ्टर एवरी वीक। अच्छा। इट वाज टू अपहिल टास्क बट आई डिड टू हैव द एक्सीलेंट गोल्स इन माय लाइफ। फिर मैंने वहां रहते हुए तकरीबन अगर मैं काउंट करूं छोटी और बड़ी अपनी किताबों को तो मैं 30-40 किताबों का मुसन्निफ हूं। अच्छा, माशाल्लाह। बल्कि आपने भी जो मैट्रिक की किताब पढ़ी है वो आपसे मेरा बाकायदा शागिर्दी और उस्ताद होने का वो रिश्ता नहीं है, लेकिन आप मेरे इस हवाले से शागिर्द जरूर हैं कि आपने जब मैट्रिक किया था तो मेरी लिखी हुई किताब से आपने मैट्रिक किया था। अच्छा। पास किया था इस्लामियत की किताब को, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में राइज है। मेरी लिखी हुई किताब जो है इस्लामियात की वो इस वक्त पूरे मुल्क में राइज है। तो कोई भी शागिर्द, कोई भी तालिबे इल्म जो कहीं भी हायर स्टडीज में है अल्हम्दुलिल्लाह वो बेसिकली मैट्रिक में मेरा शागिर्द जरूर है। तो इसके अलावा मैंने करिकुलम ऑफ इस्लामिक स्टडीज पे बहुत सारा काम किया। क्लास 1 से लेकर MA तक मेरी बुक्स हैं जो स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में ना सिर्फ पढ़ाई जाती हैं बल्कि रेफरेंस के तौर पे पेश की जाती है। फिर करिकुलम के साथ जैसे मैंने आपको बताया जनरल भी मैंने मौजूदात पे कलम उठाया है, लिखी हैं, और मेरा स्पेशलाइज्ड जो एरिया है वो कुरान और सीरा है। माशाल्लाह। तो इसके अलावा मैंने जब पीएचडी कर ली और पीएचडी करने के बाद मैंने कॉलेज लाइफ से स्विच करना था यूनिवर्सिटी में, तो 2007 में मेरी पीएचडी हुई जामिया कराची से। तो 2008 में मेरी यूएमटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मेरी अपॉइंटमेंट हो गई। व्हाई यूएमटी? यूएमटी मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी और फर्स्ट अपॉइंटमेंट आफ्टर पीएचडी मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी। और जब यूएमटी में मेरी एम्प्लॉयमेंट हुई तो आई वाज इन फेडरल गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद, लेकिन जब यूएमटी में मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो मैं रिजाइन करके आया। अच्छा। गवर्नमेंट जॉब को 18 ग्रेड से रिजाइन करके आया हूँ, एज असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ भी था, लेकिन उन्हें अपने सारे बेनिफिट्स को सेक्रीफाइस करके मैंने यूएमटी को ज्वाइन किया था। अच्छा। एक ऑनर समझते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से यूएमटी में आया हूँ इस आने के बाद 12 साल का अरसा इस सफर में गुजर गया है यूएमटी में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहीं भी इधर ना इधर आंख उठाकर भी नहीं देखा। अच्छा। यहाँ से कहीं भी स्विच करने का मैंने नहीं सोचा। सर उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि आई फील दैट रिस्पेक्ट हियर व्हाट आई ड्रीम्ड। अच्छा।
So you are satisfied? Alhamdulillah, satisfied. Not only, more than satisfied. और सेटिस्फेक्शन की सबसे बड़ी चीज ये होती है रिस्पेक्ट. मॉनेटरी बेनिफिट्स सेकेंडरी थिंग्स हैं. रिस्पेक्ट इज अ वलीन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच अप ग्रेट टू द पर्सन दैट इज रिस्पेक्ट. तो रिस्पेक्ट आई फील है और मैं रिस्पेक्ट देता भी बहुत हूँ और मुझे लेने का भी शौक है और देने का भी शौक है और यूएमटी ने मुझे दोनों चीजें दी. ठीक है सर, हमें ये बताएं कि जब आपको पता चला कि आपको एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर के लिए नॉमिनेट किया, सिलेक्ट किया गया, आपके क्या जज्बात है जिस लम्हे आपको ये पता चला? मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ, उससे पहले मेरी थोड़ी सी बात डिस्कनेक्ट होगी आपसे. इस सवाल से पहले मैंने आपसे कहा था कि यूनिवर्सिटी यूएमटी ने मुझे इज्जत दी भी बहुत है और मैंने भी यूनिवर्सिटी को इज्जत बहुत दी है. वो इस हवाले से दी है कि एक मैंने बहुत मारकतुल आरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया है. मैं ये नहीं कहता कि मैंने काम किया है, मैं यही कहा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया है. जिसको सुन के आप भी हैरान होंगे, शायद आपने उसकी बाजगिश नहीं सुनी लेकिन पूरी दुनिया उससे आज बाखबर है कि मैंने दुनिया में पहली मरतबा एक ऐसा बहुत बड़ा काम विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी मैंने परफॉर्म किया है जो इससे पहले दुनिया में नहीं हुआ. और वो काम ये है कि मैंने पूरे कुरान मजीद का उर्दू जुबान में मुकम्मल ऐसे अल्फाज से तर्जमा किया है जिसमें एक भी नुक्ते वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ. एंड दिस इज फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड एंड हिस्ट्री. अच्छा. और ये पहली मरतबा हुआ है और ओवर द ग्लोब ये अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम है. और अपने इस काम को मैं अपने हर इंटरव्यू में मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, मैं खुद भी एंकर हूँ मीडिया में, जहां भी मेरे इस तर्जमे की बात हुई है मैंने इस अपने तर्जमे को, अपनी इस रिस्पेक्ट को जो दुनिया में पहली मर्तबा सिर्फ मुझे नसीब हुई है, मैं अपनी इस रिस्पेक्ट को हमेशा अपनी यूएमटी का नाम करता हूँ, डेडिकेट करता हूँ. ये यूएमटी का एजाज है, मैं इस घर का फर्द हूँ, ये मेरा एजाज नहीं है, मैं इसको हमेशा यूएमटी का एजाज समझता हूँ. सर मुझे बताएं ये जब आपने कुरान लिखा, जो तफसीर इसका तर्जुमा किया बगैर किसी नुक्ते वाले अल्फाज के, इसको कितना टाइम लगा? ये भी एक मुजज़ा है. अच्छा. वरना ये काम तो सालों, सौ सौ साल लग जाते हैं, सदियां लग जाती हैं ऐसे कामों को करते हुए. लेकिन मेरे इस काम को मैं समझता हूँ, चूंकि कुरान करीम का एक मुजज़ा रूनुमा हुआ है 1400 बरस के बाद, तो 1400 बरस के बाद जब मुजज़ा रूनुमा हुआ है तो टाइम के लिहाज से भी सिर्फ 2 साल 14 दिन में ये हुआ है. माशाल्लाह. और कोई सपोर्ट कहीं से नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला की सपोर्ट थी. एक इल्हामी काम था, मैं जब करने बैठता था तो नुक्ता वाले अल्फाज को हटाकर ऐसे अल्फाज लाना जिसमें नुक्ता नहीं है, फिर मफहूम भी कुरान पाक का रहे, ये बहुत मुश्किल था. लेकिन ये एक इल्हामी काम था, अल्लाह ताला ने मुझसे लेना था. सर मैं दोबारा अपने सवाल की तरफ वापस आता हूँ, आपके क्या जज्बात थे जिस लम्हे आपको पता चला था? मुझे मेल के जरिए से पता चला. अच्छा. कि आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर दिस अवार्ड, तो मेरे लिए खुशगवार हैरत थी. अच्छा. कि ये कैसे हुआ? और मैंने अपनी COD जो कि डॉक्टर ताहिर बिशारत, अभी उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया, तो उससे पहले 3 साल के लिए मैं COD रहा था इस डिपार्टमेंट का. तो जब वो आई तो उनके ऑनर में मैंने COD उनके हैंड ओवर कर दी थी. अच्छा अच्छा. तो खुद मैंने उनको वेलकम करते हुए चेयरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट का एजाज मैंने डॉक्टर ताहिर बिशारत को पेश किया. और जब ये मेल आई मुझे, मैंने उनको दिखाई. मैंने कहा मैडम ये क्या है? तो मैडम ने मुझे एंडोर्स किया कि यस इट हैपेंड. जाहिर है खुशी की बात. सर इस सारे के पीछे ये जो एक सफर, आपने एक तवील सफर बयान किया, इसके पीछे मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या थे? मोटिवेशन उम्मीद फैक्टर्स ये हमेशा रहे हैं, मेरे एक जिंदगी का उसूल और एम और एम्बिशन रहा है. अच्छा. और वो शुरू से रहा है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बहुत बड़ा काम करना चाहिए जो किसी और ने ना किया हो. ये एक मोटिवेशन ऐसी है कि फिर यही बात इंसान को फिर कदम ब कदम आगे से आगे लेके जाती है. उसकी तस्कीन नहीं होती. मैंने PhD कर ली, मेरी तस्कीन नहीं हुई. मैंने 40 किताबें लिख ली, मेरी तस्कीन नहीं हुई. मैंने कुरान पाक का फिर तर्जमा किया और इसके बाद अब मुझे
کچھ حد تک تسکین ضرور ہے کہ الحمدللہ میں نے ایسا کام کیا ہے جو پوری دنیا میں اور کسی نے نہیں کیا. اور اس کے پیچھے اس موٹیویشن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پیرنٹس کے, اپنے ماں باپ کی دعائیں, اپنی ماں کے گرتے ہوئے آنسو اور اپنے باپ کی خواہشات, جو کہ میں نے جب پی ایچ ڈی کی تو میرے فادر اس دنیا میں نہیں تھے, لیکن میں دھاڑے مار کے رویا تھا کہ ان کا ڈریم تھا کہ میرا بیٹا دنیا کا بہت بڑا اعزاز حاصل کرے, اور جب مجھے حاصل ہوا تو زندگی میں نہیں تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعائیں, ان کی تعبیر, کیونکہ کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا رد عمل آج ہی آ جائے, اس کے ریئیکشن سال بعد بھی آتا ہے, 10 سال بعد بھی آتا ہے. تو میری اس مقام کے پیچھے ایک تو فرسٹ بلیسنگز آف اللہ المائٹی, اور دوسرا پریز آف مائی پیرنٹس اینڈ مائی ٹیچرز جن سے میں پڑھا ہوں. اچھا, میں اس مقام پہ ہوں تو میں نے اپنے اساتذہ سے بہت محبت کی ہے, آج اسی طرح میرے شاگرد مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, اور یہی میری ایک یونیورسٹی میں کنٹریبیوشن یہ بھی ہے کہ میرے ڈپارٹمنٹ کا ہر اسٹوڈنٹس جو ہے اس سے میرا ایسا رشتہ ہے کہ جیسے خونی رشتہ ہوتا ہے. میرا ایک شاگرد بھی ہو, میں جب وہ ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے, میرے دفتر مجھے ملنے آتا ہے, میں ایز اے چیئر پرسن ہوں یا ایز اے فیکلٹی ممبر ہوں, جب وہ واپس جاتا ہے میرا شاگرد, میں اس کو دروازے تک چھوڑنے جاتا ہوں. جب یہ رسپیکٹ یو ایم ٹی میں میں اپنے شاگردوں کو دوں گا تو وہ بھی مجھے ان ریٹرن ایسے ہی ملتے ہیں, اور مقام ایسے ہی ملا کرتے ہیں. ایسی یہ دنیا جو ہے گیو اینڈ ٹیک کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے, اور مقام ایسے ملا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, کوئی بھی ولی جو اگر کوئی بننا چاہے وہ نمازوں سے اور تہجدوں سے نہیں بنتا, وہ انسانوں کے ساتھ اچھا پیش آنے سے بنتا ہے, معاملات میں فیر ہونے سے بنتا ہے, جہاں بدیانتی نہ ہو, جہاں جھوٹ نہ ہو, جہاں فریب نہ ہو. انسان اپنی ذات میں اور اپنے معاملات میں اگر ان چیزوں سے پاک رہے تو یہ مقام ضرور ملتے ہیں, یہ منتظر ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ اعزاز کس کو ڈیڈیکیٹ کریں گے؟ میں اپنا یہ اعزاز ڈاکٹر حسن سے مراد کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. اور اس کے پیچھے کیا وجہ؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ایک وہ شخص جس نے کہ ایک ایسی جنت آباد کر دی جہاں نہ صرف اس گھر کے رہنے والے ہر فرد کو عزت اور رسپیکٹ مل رہی ہے, بلکہ وہ اس کا کنٹریبیوشن شمار ہو رہا ہے دنیا میں. میں جو کرتا ہوں آج, یہ میرا دنیا میں کنٹریبیوشن ہے, اور اس کنٹریبیوشن کی بنیاد, اس گھر کی بنیاد چونکہ ڈاکٹر حسن سے مراد نے رکھی, میں اپنا اعزاز بھی ان کے نام کرتا ہوں اور اپنے ترجمے کا اعزاز بھی یو ایم ٹی کا نام. سر آپ نے ڈاکٹر حسن صہیب مراد کی بات کی ہے, تو اس سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ہائی لائٹس, جو یو ایم ٹی کے ساتھ آپ کا سفر رہا ہے, جو ہائی ٹائمز اور لو ٹائمز آپ نے فیس کیے ہیں یو ایم ٹی کے ساتھ, وہ تھوڑے سے بیان کریں. ہاں, یہ سوال تلخ بھی ہے اور اچھا بھی ہے. جس ڈپارٹمنٹ سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ ڈپارٹمنٹ ایسی ہے کہ جس کا ایک بہت بڑا دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی ایک کنٹریبیوشن ہے اس پوری دنیا میں. ہم نے اپنی ڈپارٹمنٹ میں ایک ایسا گلدستہ سجایا ہے, اور یہ ڈریم بھی ڈاکٹر حسن سے مراد کا تھا جس کو ہم نے تعبیر کر کے دکھایا الحمدللہ, کہ ہم نے اپنی ڈپارٹمنٹ میں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ سیولائزیشن, یہ تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ نام بھی ڈاکٹر حسن سے مراد کا رکھا ہوا ہے, اور ان کی ویژن یہ تھی کہ دنیا میں یہ کہیں اس نام کی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, سوائے ایک یو ایس اے میں وہ مثال دیا کرتے تھے. اچھا. اور اوور دا گلوب دوسری اس نومنکلچر کے ساتھ ہماری ڈپارٹمنٹ ہے. اس میں ان کی خواہش یہ تھی ایک ایسا ہم پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کریں اس ڈپارٹمنٹ سے جو کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی ایک ویل اکوپڈ ہو, اس میں دونوں خوشبوئیں ہونی چاہیے. نہ اس میں مولویت کا لبادہ ہو اور نہ دنیا داری کا ایکسٹریم لیول پہ ہو, بلکہ اعتبار کے ساتھ, میانہ روی کے ساتھ, ایسا کہ یہاں سے اس ہماری ڈپارٹمنٹ سے فارغ ہونے والا, ایم فل پی ایچ ڈی کرنے والا اسکالر جو ہے وہ دنیا کے امور میں بھی ایکسپرٹی رکھتا ہو اور دینی امور میں بھی رکھتا ہو. اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ سفر مشکل تھا کیونکہ ایک طرف سے ہم نے دینی مدارس کی لوٹ کو لیا تھا, اور دوسری طرف سے ہم نے دنیاوی اعتبار سے, دنیاوی اداروں سے, کالج یونیورسٹیوں سے آنے والی لوٹ کو لیا تھا, اور دونوں کو اکٹھا بٹھایا اور دونوں کو ایمرج کیا. ایمرج کرنے کے بعد ان خوشبوؤں کو ہم نے ایک کمبائن کیا, اور کمبائن کرنے کے بعد جو خوشبو بنی ہے ہم نے اس خوشبو کو دنیا میں پھیلایا ہے. اور ہماری پروڈکٹ ماشاءاللہ یہاں سے ایم فل پی ایچ ڈی کرنے والے جو اسلامک تھاٹ اینڈ سیولائزیشن میں ہیں وہ ایک اتھارٹی تسلیم کیے جاتے ہیں, ایک ان کا آئیکون تصور کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے اس ڈپارٹمنٹ میں
ज्वाइन किया था उस वक्त वो बात नहीं थी, क्योंकि एक पौधा है ना, उसको अभी लगाया था, अभी उसको पानी देने की जरूरत थी, खून देने की जरूरत थी. हमने पानी भी दिया, हमने खून भी दिया. और खास तौर पर जब मैंने एज ए चेयरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट टेक ओवर किया था आज से 4 साल पहले, तो उस वक्त इस डिपार्टमेंट में एक जवाल का वक्त आता है. मद्दोजहद आते हैं दुनिया में, जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं. तो जब मैंने टेक ओवर किया था, आपने चूंकि सवाल किया है तो मैं इसलिए इसका जवाब दे रहा हूँ, तो उस वक्त एक ऐसा जवाल की कैफियत थी डिपार्टमेंट में कि सिर्फ 2 स्टूडेंट एमफिल के थे और 1 PhD में था. लेकिन अच्छा. जब मैंने आफ्टर 3 ईयर्स मैंने इस डिपार्टमेंट को नई चेयरपर्सन डॉक्टर ताहिरा बिशारत के हैंड ओवर किया एजाज के साथ, तो उस वक्त मैंने अर्ज किया कि जब मैंने टेक ओवर किया था 2 स्टूडेंट थे एमफिल, और जब मैंने टेक दिया है तो 3 सेक्शन दिए हैं एमफिल के. अच्छा, माशाल्लाह. और मोर देन 100 PhD रजिस्ट्रेशन स्कॉलर्स को दी है. तो ये इस डिपार्टमेंट का मैं समझता हूँ उरूज है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जवाल भी देखा और आज उरूज भी देख रहा हूँ. और अल्हम्दुलिल्लाह ये उरूज जो है अभी तो इसका आगाज है, अभी ये बहुत ऊंचा जाएगा इंशाल्लाह हमारा डिपार्टमेंट. और इसका सारा मैं समझता हूँ कि जो फैजान है वो डॉक्टर हसन से मुराद उनकी बुनियाद है और उन्हीं की रूह को इसका सवाब. सर, आपने UMT की तमाम एक्टिविटीज़ को बड़ी खूबसूरत अंदाज में जो है वो बयान किया है और काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं आप UMT की तमाम एक्टिविटीज़ के ऊपर और जो इनके मामूलात हैं. सर, ये बताएं, ये जो इन्होंने प्रोग्राम इनिशिएट किया है एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा है, बहुत अच्छा है. इससे एक इनक्रेजमेंट मिलती है. इसका एक हमारी ज़िंदगी में आम तौर पर अलमिया ये है कि हम रिकग्नाइज नहीं करते किसी की एफर्ट्स को, किसी की खूबियों को, किसी की सिफात को. लेकिन मुझे एक गिला है. अच्छा. हो गए हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले. वो गिला ये है कि मैंने इतना बड़ा काम किया है, जाने दे ऑन एयर जाता है तो ये मेरी बात ना एडिट कीजिएगा, अगर करना चाहें तो कर ले, अगर आपकी मर्जी. नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है. तो लेकिन मेरा गिला है और मैं दुखी दिल के साथ इस गिले का इजहार करने लगा हूँ कि मैंने इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है तर्जमे का, इतना बड़ा काम किया कि पूरी दुनिया में किसी और ने नहीं किया. और मैं कभी भी इसको अपनी जात के नाम नहीं करता, मैं UMT का नाम करता हूँ. लेकिन UMT ने आज तक मेरे इस काम की रिकग्निशन नहीं की. एक मेल तक मुझे किसी ने नहीं की कि हाँ ये बहुत बड़ा काम है. यहां पर आकर मैं सोचता हूँ कि शायद मैं उस दुनिया में रहता हूँ कि जहां पर किसी के काम का इतराफ करने के लिए और किसी की तहसीन करने के लिए उसके मरने का इंतजार किया जाता है कि जब वो शख्स मर जाएगा फिर हम कहेंगे कि हाँ वो शख्स बहुत बड़ा काम कर. आज तक किसी भी लेवल पे, किसी भी कॉन्वोकेशन में मेरे इतने बड़े काम का, जो कि मैंने UMT का नाम किया हुआ है, किसी ने इतराफ नहीं किया कि ये UMT का एजाज है. बल्कि ये तो पाकिस्तान का एजाज है और पाकिस्तान में इस घर का एजाज है, लेकिन यहाँ किसी ने आज तक उसको नहीं सराहा. सर, हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि UMT इसको सराहेगा और इसको एक्सेप्ट करेगा और आपके जो गिले हैं वो दूर करेगा. और मैं दुआ करता हूं कि इसका अजर अजीम जो है वो अल्लाह ताला आपको दे, और अजर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात से ही मंसूब है. तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह हम ये भी उम्मीद करते हैं कि UMT ये जो आपका एक हॉलमार्क जो है उसको दूर करे और इसको जो आपके तमाम जो रंजिशें हैं उसको. रंजिश नहीं, अच्छा. मैंने कहा था खूब करे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले. हम इतनी तारीफ जब करते हैं तो इकबाल ने शिकवा में अल्लाह से कहा था कि मैं आपकी इतनी तारीफ करता हूँ, थोड़ा सा गिला भी तो सुन ले. कि बिजलियां गिरे तो हम पे गिरे, बारिशें हो तो हम पे हों, वो एक मोहब्बत का, ये भी मेरा मोहब्बत का गिला अंदाजे बयां है. सर, मुझे ये बताएं कि अच्छा एम्प्लॉय, अगर एक अच्छे एम्प्लॉय की बात की जाए तो क्या समझते हैं कि उसके पास क्या क्या जो है वो कैरेक्टर्स में चीजें होनी चाहिए? देखिए, अच्छा एम्प्लॉय होने के लिए एक तो एकेडमिकली आपको साउंड होना, वो तो बुनियाद है. लेकिन अच्छा इंसान, मुईद मैं फिर कहूँगा, वो है जो इंसानों के साथ मामलात में अच्छा है. अच्छा इंसान वो है जो अपने से छोटे को रिस्पेक्ट देता है. जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि मेरा शागिर्द भी आए तो मैं उसको दरवाजे तक छोड़ने जाता हूँ. वो हैरान होते हैं, सर आप हमारे सर हैं तो आप तो बैठे अपने. मैंने कहा नहीं, रिस्पेक्ट आपका हक है, शागिर्द हैं लेकिन इज्जत तो आपका हक है. वलकद करम ना बनी आदम, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा है कि हमने इंसान को इज्जत अता की है. हमारा गिला ही तब इंसानों से बनता है
پیدا ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیتے, عزت نہیں دیتے. میں داخل ہوتا ہوں اس اپنے اس گھر میں تو میں گیٹ سے لے کر جہاں بھی کوئی مجھے گارڈ ملتا ہے میں سب سے پہلے اس کو جا کر سلام کرتا ہوں. کوئی مجھے مالی ملتا ہے میں رک کر سلام کرتا ہوں. اور یہ چیزیں آپ کو جب دوسروں کو عزت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر عزت لازمی دیتا ہے. بے شک. سر میں چاہتا ہوں آپ ایک پیغام جو ہے وہ دوسرے امپلائیز کو بھی دیں تاکہ وہ بھی جو آپ سوچتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں اور وہ بھی آپ کے ہی بتائے ہوئے راستے کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں اور اس پوزیشن تک پہنچ سکیں. وہی پیغام میرا یہ ہوا کرتا ہے کہ زندگی میں دیکھیں زندگی ایک مرتبہ ملنی ہے. اگر ہم اس کو جس میں اپنی ذات کے بارے میں بہت کچھ آپ کو بتایا کہ میں نے جامد نہیں رکھا, میں نے موومنٹ میں رکھا ہے, ہمیشہ چلتا ہوا پانی پاک ہوا کرتا ہے, رکا ہوا پانی تعفن زدہ ہوتا ہے, ناپاک ہوتا ہے, ناقابل استعمال ہوتا ہے. جو انسان اپنی زندگی کو روک لے گا کہ بس میں نے جو بننا تھا بن گیا, میں نے کہا کہ وہ اس کے زوال کا پہلا دن ہے. جو انسان اپنے آپ کو موومنٹ میں رکھے گا اس میں پاکیزگی رہے گی, اس میں تازگی رہے گی. اور یہ کب؟ جب انسان کا ایمبیشن یہ ہو کہ میں نے ابھی اور آگے جانا ہے, میں نے ابھی اور آگے جانا ہے, یہ میری منزل نہیں ہے, ابھی اور منزلیں میرا انتظار کر رہی ہیں. جب کسی امپلائی میں یہ بات ہوگی کہ میں نے اپنے آپ کو جو بننا تھا بن گیا, یہ نہیں ابھی تو میں نے اور کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ابھی تو میں نے اور نئی دنیاؤں میں جانا ہے. اور بڑی تابناک دنیا میں انسان اگر جانا چاہے, اپنے آپ کو منوانا چاہے, تو اس کے لیے بڑی دنیائیں منتظر ہیں اور بڑی دنیائیں آباد ہیں. مستقل جستجو. ایک اچھا امپلائر جو کہ یہ اس کا ایمبیشن ہو کہ میں نے ابھی اور آگے بڑھنا اور کنٹریبیوشن دینا ہے اپنے اس گھر کو بھی اور دنیا کو. تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ اس. اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت نوازے اور اجر عظیم دے جو آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے, اور ہمیں بھی ہدایت دے اور ہم اس کو فالو کر سکیں. تھینک یو ویری مچ سر. سو دس از آل فار ٹوڈے فرام امپلائی ریکگنیشن پروگرام. اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے امپلائی آف دا کوارٹر کے ساتھ. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.